अब मंडल समीकरण को कैसे साधा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। बात अब कर्पूरी ठाकुर की कर लेते हैं, जिनके जरिए मंडल की राजनीति को साधा गया। पिछले महीने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर के जरिए बीजेपी नीतीश और अति पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने की कोशिश की गई। नीतीश को तो बीजेपी अपने साथ ले आई और अब कोशिश चुनाव में अति पिछड़ों को भी साथ लाने की है। इसे आप समझिए इस तरीके से, राजनीतिक रूप से देखें तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का असर बिहार की 40 और झारखंड की 14 सीटों पर पड़ सकता है। पूर्वी यूपी के भी कुछ हिस्सों पर अति पिछड़ी जाति के वोटरों का साफ असर देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि कैसे कर्पूरी को भारत रत्न देकर बीजेपी ने बिहार का सियासी समीकरण बदल दिया। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है, ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। जन्म जयंती की 100वीं सालगिरह से ठीक एक रात पहले 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अति पिछड़ी जाति से आने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। कर्पूरी ठाकुर को जिस वक्त भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने एक तरह से एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, अति पिछड़े वोटों की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार पर डोरे डाले, तो दूसरा, अति पिछड़े मतदाताओं के बीच में ये संदेश दिया कि जो काम कांग्रेस की हुकूमत सालों तक नहीं कर सकी, उसे बीजेपी और मोदी सरकार ने कर दिखाया। इस फैसले का पहला असर ये हुआ कि 4 दिन के भीतर नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। मतलब ये हुआ कि जिस अति पिछड़ी जातियों के वोट को लेकर बीजेपी चिंतित थी, उसे साथ लिया। नई जातीय गणना के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ी जाति के लोग हैं और इनका वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को 35%, जबकि एनडीए यानी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 25% अति पिछड़ा वोट मिला था। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जब एनडीए ने बिहार में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा, तब तस्वीर बदल गई। तब अति पिछड़ों का झुकाव एनडीए की तरफ हुआ और 2005 में आरजेडी गठबंधन को महज 22% और एनडीए को इसके दुगने से भी ज्यादा यानी 48% अति पिछड़ों का वोट मिला, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 13% और एनडीए गठबंधन को 55% अति पिछड़ा वोट मिला। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जब बीजेपी और आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़े, तब बीजेपी गठबंधन को भले ही बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अति पिछड़ी जातियों के वोट का बड़ा चंक नीतीश के पास चला गया था। 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद से ही बीजेपी के रणनीतिकारों में इस तरह का एक संशय बनने लगा था कि अगर ये समीकरण 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बना रहता है और महागठबंधन के साथ अति पिछड़ा वोट बैंक जुड़ा रहता है, तो इससे बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से लगातार जो कई राजनीतिक सर्वे आए, उन्होंने भी इसी ओर इशारा किया कि अगर अति पिछड़ा वोट महागठबंधन के साथ जुड़ा रहा, तो इसका खामियाजा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति की आबादी है, जो 36% है। पिछड़ी जाति की आबादी 27% है। SC ST आबादी 21% है और सामान्य वर्ग की आबादी 16% है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न के जरिए बीजेपी ने अपना गेम शुरू कर दिया और फिर नीतीश कुमार को महागठबंधन से तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया। नीतीश और बीजेपी की सरकार बन चुकी है। नीतीश बार बार ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। 12 फरवरी को बिहार में बहुमत परीक्षण होगा। फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन कर्पूरी के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपना मिशन पूरा कर लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।